हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज सॉल्व करते हैं 2017 का जीएस पेपर वन। और ये मैं लेके आई हूँ हिंदी में और इंग्लिश का भी इसका वर्जन जल्दी ले आएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है या ज़्यादा व्यूवर्स कहते हैं इंग्लिश के लिए, तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे। चलिए पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, जो पुराने सेट हैं उसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सेट को करते जाइएगा। हर स्टेट का पेपर सॉल्व करिए, पीसीएस का। अगर आप पीसीएस देने वाले हैं या आईएएस देने वाले हैं या कोई भी पेपर देने वाले हैं, तो कम से कम ये मान के चलिएगा कि हर स्टेट के तो आपको करने ही करने हैं। साउथ जोन का छोड़ करके आपको यूपी का, राजस्थान का, एमपी का, ये तीन स्टेट का तो निकाल ही लेना पेपर, क्योंकि इनके सॉल्व सेट करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटक चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो अब इसके अंदर जो पूछा गया है कि किस, मतलब जैसे स्वदेश दर्शन योजना है उसमें किस पर्यटक चक्र का विकास जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है, तो हम देख लेते हैं। इसमें है सूफी चक्र का। ठीक है, तो ये जो है भारत सरकार ने प्रारंभ करी है दर्शन योजना, तो दर्शन योजना को याद रखना। दर्शन योजना में किसका नहीं सम्मिलित है चक्र, तो वो है आपका सूफी चक्र। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आंसर अपना देना। ये भी रिपीट हो सकता है क्योंकि थोड़ा टिपिकल है आंसर इसका। इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो इसमें जो मिनिमम जो इसकी वेजेस है, तो वो लेबर की वेजेस जो है वो कितनी तय करी गई है, या मतलब मान लीजिए एक सैलरी जो है वो तय करी गई है, तो वो कितनी है? तो वो है, इसका आंसर आपका रहेगा ये 7400 रुपीज़, ये वाला। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि ये वेजेस सही है या नहीं। तो इसका आंसर होता है बी, यानी कि जो मिनिमम वेजेस है वो है 7400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए आर्थिक दृष्टि से तो ऊपर है, बट उसमें जो सेक्स रेशियो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, तो हम उसे देख लेते हैं वो कौन सा है, वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। चलिए इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, नेशनल फैमिली सर्वे हेल्थ 3 के अनुसार भारत में, यानी थर्ड जो नेशनल फैमिली सर्वे हुआ था हेल्थ का, उसके अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य स्रोत है यानी सोर्स है चिकित्सा का, ठीक है, वो क्षेत्र है। तो आप देख लेते हैं, इसका आंसर है ये शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर जो आप इसको देख लेना। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें फिफ्थ वाले में कौन सा क्वेश्चन, यानी ऊर्जा गंगा परियोजना में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है क्वेश्चन के। एक तो ये जो है ना, इन्हें ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए, इसके अंदर मैंने बताया कि आप ऊपर का क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसको ध्यान से पढ़ा करिए पहले, उसके बाद में हम देखेंगे ऑप्शन को, जब इस तरह के ऑप्शन आए। ठीक है, इसमें पूछा सही उत्तर नीचे लिखे कूट से चुनिए। देखिए होता क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़े तो इसमें लिखा है परियोजना के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब नीचे इसमें दिया हो अरेंज करने के लिए या कुछ भी, तो यहाँ पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसने पूछा क्या है, सही उत्तर नीचे लिखे कूट से चुनिए। तो ये अब इस तरीके से इसने दिया है, ऑप्शन ए में 1-3 है, ठीक है, ऑप्शन बी में 1-2, तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अगर कोई एक भी आपको आइडिया होगा, मान लीजिए एक को भी आप जानते हैं, तो बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो इसमें है आपका, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, और आप अगर इसे न्यूज़पेपर को फॉलो करते पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको तुरंत ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको सेकंड वाला करना होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं सूची, ये जो फर्स्ट इसमें सूची दी गई है और सेकंड वाली जो दी गई है, दोनों को क्या करने के लिए गया है, सम्मिलित करने के लिए गया, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें देख लेते हैं पहले, तो इसमें देखो कि नीचे दिया क्या है, तो इसमें नीचे कूट ही दिए, यानी ऑप्शन ही दिए हैं ए बी सी डी का। आप देखिए ए में, बी में, सी में, डी में। अब एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे आ गया 3 वाला जो है वो 2 में है, है ना, और 1-2 अलग अलग, यानी तीन ऑप्शन में से हमें पता होना चाहिए कौन सा सही है। अगर हमें कोई पता पड़ जाता है तो उससे भी हमारा एलिमिनेशन मेथड इसमें काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप देखिए खेल का सामान कहाँ पे, तो खेल का सामान जो है, अगर कुछ आप थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज हो तो आप इजीली इसका जो मैचिंग है ना वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, मेरठ से खेल का सामान के लिए जो है, जितने भी स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, जैसे जितने बॉयज़ हैं वो तो ऑब्वियसली जानते होंगे, और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड गर्ल्स हैं उन्हें भी मतलब नॉर्मली पता ही होगा कि मेरठ से ही अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वहीं पर इसका काम होता है। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर फिर एलिमिनेशन की बात करें, तो देखिए अब बात आ रही है बी और सी पे अटक जाएगी, क्योंकि ए का 3-2 में दिया गया, बी और डी में, सॉरी सी बोल दिया था मैंने, बी और डी में। अब देखिए इसके बाद फिर पीछे भी 4-4 दोनों में कॉमन, यानी 4 तो सही है ही है, बी का जो है वो 4 सही है। जैसे दिया सलाई लिखा हुआ है, ये तो बहुत पुराने जमाने का मतलब एक वर्ड यूज़ हो रहा है दिया सलाई, तो ये बरेली का है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम थर्ड में बात करें सी वाले में, तो सी वाले में 1 या 2 दिया है। ठीक है, अब सी वाले में 1 या 2, अब यहां से हमें फाइनल हो जाएगा कि बी सही है हमारे या डी सही है। तो सी का देख लो, पीतल का सामान। ठीक है, अब पीतल का सामान अगर बात करें, तो पीतल का सामान कहाँ आपको लगता है कि पीतल का सामान, या तो अब देखिए इधर बरेली और मेरठ खत्म हो चुका है, अब 2 ही 2 हमारे पास बचे हैं सी डी, और इधर 1-2 तो मुरादाबाद या सहारनपुर। ठीक है, अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप इसे ले जाएंगे करके सही
सही, वरना ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो पीतल का सामान है वो आपका है इसका मुरादाबाद, ठीक है। तो पीतल का सामान का क्या मैचिंग हम बनाएंगे, मुरादाबाद। तो इस तरीके से आप इसे एलिमिनेट कर पाएंगे। ये वन, ये थोड़ा टिपिकल दे दिया है, वरना होता ये है कि केवल आगे वाले को करने के बाद सेकंड वाले से ही हो जाता है, लेकिन थोड़ा टिपिकल करके दिया है तो ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो पीतल का सामान आपको याद रखना है मुरादाबाद। और एक बात और याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। तो पीतल का सामान हो गया मुरादाबाद, और लकड़ी की नक्काशी का ऑब्वियसली फिर आपका बचेगा ये सेकंड वाला सहारनपुर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है ना, ये वाला। बाकी ये सब हो जाएंगे रॉन्ग। चलिए इसी के साथ में सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो इसमें अगर हम देखें कि किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं इसमें। ये देखिए आपका हो जाएगा इसका 1995, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको पहले से ही आना चाहिए या पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह की हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। परम गरीबी की परिभाषा यानी उसकी जो एक डेफिनेशन दी गई है तो वो इसमें आ जाएगी। जैसे हम एक बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो परम गरीबी मतलब बहुत ज़्यादा जो गरीब है उसकी क्या वो है, किस तरीके से उसे डिफाइन किया गया है, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो करा है तो वो कब करा गया था, 1995 में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा आराम, ठीक है, ये है इसका डी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए उसने पूछा ये था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप आप लोग जानते होंगे कि आजकल पूरी सोसाइटी के अंदर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा फील हो ही रहा है, तो वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप प्रयुक्त नहीं होता, तो वो क्या चीज़ें ये चीज़ नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, वो है आराम। तो आराम की परिभाषा से हम ये नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन, ठीक है, आयोजित किया गया था, वो है कॉपेनहेगन, ठीक है, कॉपेनहेगन इसका राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा डी। और इसी के साथ में आप अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है, तो इसमें कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है, तो उसमें आपको ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ठीक है, तो ये वाली जो है ये सेवा प्रदान नहीं होती है, ठीक है। बाकी कौन कौन सी हो जाती है ये ध्यान रखना, पूरक आहार हो जाती है, रोग प्रतिरक्षण, और बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोषक वितरण, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, 11 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैचिंग बहुत आते हैं, मैचिंग में प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। योजना और उद्देश्य, ठीक है, अब योजना अगर हम बात करें तो उदय UDAY विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, ठीक है, इसका ये हो गया। अब इसमें ये देखना है हमको कि इसके अंदर इसमें पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन को अभी फिर कह रही हूँ कि ठीक से पढ़ना, इसलिए बार बार बता रही हूँ कि यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, ऊपर लिखा सम्मिलित नहीं करना है, और अभी नीचे पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे कि जो सही है वो लगा देते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं हृदय, तो हृदय RIDAY तो ये है विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, अमृत में है AMRUT शहरों में मूलभूत संरचना सुधार, और स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल, तो इसमें जो नहीं है, ठीक है, ये जो एक से आ रही है ना अभी आपके ऊपर से, उसमें जो अलग से आपको दिख ही रहा होगा कि ये विरासत या कोई प्रॉपर्टी या शहर इस तरीके कुछ निकल के आ रही है, और नीचे जो है ना वो बिल्कुल अलग है, स्वच्छ भारत मिशन से है, तो इसमें जो मतलब आया है शुद्ध पेयजल तो वो इनसे लिंक नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है, तो इसके अंदर देखना है हमें कि अर्थव्यवस्था हमारी इकोनॉमी के अंदर चक्रव्यूह चुनौती किसे माना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन, रहित बाजारवाद की ओर जाना, ठीक है, भारतीय इकोनॉमिक का समाजवाद, ठीक है, समाजवाद से निर्गमन रहित बाजारवाद की ओर जाना, ठीक है। तो अब जिन्हें भी इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बिलो अस, हम लोग इसे कंटिन्यू कर देंगे इंग्लिश में भी, ठीक है, रादर फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में किया, हिंदी में प्रॉब्लम तो खैर मुझे भी आती है, लेकिन अगर आपको चाहिए इंग्लिश का तो मुझे आप कमेंट करेंगे तभी मैं करूँगी, कम से कम 15 कमेंट होने चाहिए तो फिर मैं इसका सेट बना दूँगी, रादर देन हिंदी में ही हम लोग सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका 13 वाला, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसके अंदर जो योजनाओं पर विचार किया तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली चीज़ है, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जिनका जो ऐसा टाइम था उसके हिसाब से हमें इसे क्या करना होगा, ऑर्डर में लगाना होगा, अरेंजिंग वाला है ये, तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा वाला सही है, तो ये आप देख लीजिए, अगर थोड़ी सा आइडिया है तो हो जाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें देख लो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना तो सभी ने सुना ही होगा। इसके बाद में फिर डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, इसके बाद में आपका ये थोड़ा अनकॉमन हो सकता है कि नहीं सुना होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं तो, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना, ये सबके ही बहुत ज़्यादा मतलब सुने हुए होंगे। इसमें हो सकता है जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन थोड़ा दे दिया है, तो ये वही जानेंगे जो डेली न्यूज़पेपर को या न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, निम्नलिखित देशों में से किसने भारत तथा USA के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसेना नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था, तो जो नौसेना में भाग लिया था USA के साथ जुलाई में, वो कंट्री है जापान, ठीक है, तो जापान को यहाँ पर हम ओके कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है आपका 15 में सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भारत का स्थान है वो है 116वां, यानी कि 116। तो हमारा जो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, देश के प्रथम सूर्य ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमो ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। इसमें सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली कैंट रेलवे। देखिए अब इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन किया है कि ये दिल्ली के सभी दिए हुए हैं, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली और सफदरगंज। ठीक है, अब दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, तो इसमें जो सही वाला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, इसमें हो जाएगा रेलवे स्टेशन सफदरगंज। ठीक है, उस पर हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को फ्यूचर वर्ग में 2017 का 10 डेविड पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका श्रीनिवासन कुलकर्णी, डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा कन्फेडरेशंस कप 2017 का विजयी देश था। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब ये सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, इसमें आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 19 में G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, अब आपने न्यूज़ को थोड़ा सा भी फॉलो कराया होगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, सॉरी बी वाला, 1 और 3। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था एक तो, और दूसरा आपका हुआ था 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। और 20 में है महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसके अंदर आपको देखिए नीचे दिया है उपयुक्त में से कथन सही है। ठीक है, तो अब हमें इसमें सही वाले ढूंढने हैं जो इसके बारे में सही हैं। उन्होंने पूछा मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर। ठीक है, और किसमें पूछा है, वुमेन वन डे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिताली राज के संबंध में अब क्या क्या सही है वो हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले 6000 रन, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, रन लिखा हुआ है, रन है ये, रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया होगा, ठीक है, तो ये भी सही बात है। और उसके बाद में लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है, ये भी सही बात है। अब देख लेते हैं, फोर्थ वाला, सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। ठीक है, सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, आंसर देना किसके नाम है सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड यानी इंटरनेशनल रिकॉर्ड किसके नाम है। तो उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद में आप देख लीजिए 21 मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सरिया पुल की लंबाई लगभग है। तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में बात करते हैं 22, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी। ठीक है, ये चलेगी मुंबई से करमाली के बीच। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाई स्पीड ट्रेन तेजस की बात आप लोगों ने देखी होगी, उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ आस्ताना में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 24th में 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। देखिए होस्टिंग कंट्री होता है तो होस्टिंग कंट्री इसके अंदर कौन है वो देख लीजिए, चीन है, चाइना। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया, ये है सिटी गोंडा। ठीक है, गोंडा को दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका, निम्नलिखित में से किस 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया सरस्वती से सम्मानित। तो देख लेते हैं हम, इसके अंदर है महाबलेश्वर सेल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। और 27th विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु है, तो इसके अंदर देख लेते हैं, देखिए जो विषय वस्तु इसके अंदर दिया हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस का, तो इसमें ए दिया हुआ है बी काउंटेड सेवा व्हाट यू नीड, उसके बाद में इन्वेस्टिंग इन टीनेज गर्ल्स वल्नरेबल पॉपुलेशन इन इमरजेंसी, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की जो मतलब इसके अंदर थीम थी या जो इसके अंदर वो लिया गया तो वो था फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसमें है इंपॉर्टिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, इसके आगे आप देखिए 28, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटाइज अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है, तो वो है इसके अंदर आपका राजस्थान। इसके बाद में आंसर बी हो जाएगा। 29 को देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई। ठीक है, अब किस में रखी गई, देखिए ये जो है भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जो रखी गई है वो भोपाल में रखी गई, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में देखते क्वेश्चन नंबर 30, जून 2017 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष जो हैं वो हैं के कस्तूरी रंजन जो हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो प्रथम भारतीय प्लीज इसे तो याद रखिएगा के श्रीकांत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद में देखिए मिस प्रिंट हो गया, ये 32 है 31 के बाद।
इसमें मैचिंग दिया हुआ है, इसमें सूचियों के नीचे दिए गए कोड मतलब जो दिए गए हैं उसको क्या करना है, मिलाना है। एक तो है आपका संस्थान और दूसरे हैं शहर। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर हम। देखिए वन अनुसंधान संस्थान और इसका है, देखिए ये एक्चुअली यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग का है, ये यहाँ आ गया है, ये वन है और ये इस तरीके से ये टू है और ये थ्री इधर आ गया और फोर इधर आ गया है। ओके, तो इसमें ए वाला और बी, अब नीचे इसमें देखना बहुत जरूरी है, नीचे केवल कूट दिया यानी कि इसके आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताई थी ट्रिक काम कर जाएगी यहाँ पे हमारी और मैक्सिमम पेपर में काम कर जाती है। ए बी सी डी दिया है, नीचे ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं। तो देखिए टू है, थ्री है, वन है, फोर है, पहले वालों को देख लिया। अब आप ऊपर से देख लीजिए कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा आपको लग रहा है। तो अगर एक भी आप ए से मैच कर लेते हैं कौन सा है आपको मालूम होगा, तो ये बिल्कुल सेकंडों का काम है। देख लेते हैं इसके अंदर, तो वन अनुसंधान जो है ए का दिया हुआ टू, तो टू जो है वो है नई दिल्ली। तो क्या जो वन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो ये संस्थान है वो नई दिल्ली में है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे हम इसको, पहले वाला जो है ये तो आपका हो गया रॉन्ग, ये टू से मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद बी पे आ जाते हैं, तो बी पे देखिए ए का लिखा हुआ है, ए का लिखा हुआ है थ्री, तो क्या ए थ्री से मैच करता है। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है, तो यस जो वन अनुसंधान यानी रिसर्च जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन वन का फॉरेस्ट का, तो वो कहाँ पर है, वो देहरादून में है। तो ये बिल्कुल ये वाला जो है ये मैच कर जाएगा आपका, ठीक है, बी वाला। तो ऑब्वियसली ए की सही हो गया, तो आपको पता है इसके बाद थ्री कहीं भी आगे रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आप यहाँ से जो है सेंटर को याद कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को याद कर सकते हैं। और जैसे इसके बाद में आपका बी का अगर हम देखते हैं, तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा है ये झांसी में, ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो है आपका जोधपुर कांत में, ठीक है। उसके बाद में डी वाला जो आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ऑब्वियसली एक बचता है उसके अंदर, वो है नई दिल्ली, ठीक है। तो जो इंडिया का जो क्या कहते हैं कृषि का जो आपका रिसर्च का इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बात करते हैं 33 पे, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ है। 34 में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाग रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो नॉर्वे है, इसका डी है। और इसके बाद में आपका आ गया वित्त वर्ष के संघ 2017-18 सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, आप ऊपर इस चीज़ को पढ़ लेंगे और फिर कौन सी सम्मिलित है या नहीं है इसे ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसमें जो नहीं है वो है निर्यात निष्पादन, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 36 पे आ जाते हैं। इसराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था वो हुआ था पेरिस में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, ठीक है। अब वो जो कण होते हैं जो हमें दिखते हैं कभी कभी धूप में आपने देखा होगा, तो वो कणों का जो आकार होता है, ठीक है, वो पूछा गया है, तो ये होता है 5 माइक्रोन से कम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 38 में उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसके अंदर जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो 9 हैं, जलवायु क्षेत्र जो बनाए गए हैं वो 9 हैं। इसके बाद में हम देख लेते 39, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें कथन ए है और कथन आर है। तो अब एक तो आपका क्या है इसके अंदर, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, दूसरा मौसम की चरम दशा से बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए, इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। अब ये वो वाला है कि ए और आर दोनों सही हैं या आर ए का सही कारण है, ठीक है। अब देखो भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव तो बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जब एनवायरमेंट चेंज होगा तो हमारे सोशल जो हमारी लाइफ है, ठीक है, एनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि केवल डिसीज ही होती हैं, साइंटिफिक चेंजेस के साथ साथ हमारे जो मेंटल लेवल पे चेंजेस हैं वो भी हो जाते हैं। तो इसमें मौसम की चरम दशा से बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये दोनों ही हैं जो वो सही हैं, क्योंकि ये जो ऊपर दिया गया है उसका कारण नीचे दिया है, कथन दोनों दिए हुए हैं, तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा आर ए का सही कारण है, ठीक है। तो आर जो है वो ए का कारण है, क्योंकि ऐसा होगा तो ये चीज़ हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ जाएंगे। आप देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके अंदर जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो नेशनल उद्यान के बारे में बात करी गई है, तो वो यही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, आंसर हो जाएगा बी। 41 को देख लेते हैं, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो इसमें देख लेते हैं सी है इसके अंदर, जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र होता है, फिर भूदृश्य होता है। तो इस तरीके से जो जैविक संगठन का सही क्रम है जैव मंडल में वो ये है, इसे याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, 42
42 में है, निम्न से कौन सा तंत्र सही सुमिलित नहीं है, ग्रीन हाउस गैस ठीक है और स्रोत, तो ग्रीन हाउस गैस दिए हैं और स्रोत दिए गए हैं, तो अब इसके अंदर कौन सा सही नहीं मैच करा गया है तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, तो ये आपका गलत है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा उसमें रहता है, आप मुझे बताना ठीक है इसका मैचिंग में क्या सही होगा, इसका सोर्स क्या होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप बताना थोड़ा सा, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ मुझे आंसर देना लिख करके, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं 43 में हरित ग्रह प्रभाव से वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, हरित ग्रह प्रभाव से ठीक है वातावरण में निम्नलिखित में यानी नीचे दिए से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें जो परिवर्तन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है ठीक है, ये परिवर्तन इसके अंदर होता है हरित ग्रह प्रभाव से। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहले, हाँ इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से बनता है, मैं क्वेश्चन फिर पूछ रही हूँ, हरित गृह प्रभाव बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। 44 के लिए सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है ठीक है, तो इसके अंदर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, उसने पहल की है इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 45 में भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर कर लेना ठीक है। तो इसका जो था वो है मिथाइल आइसोसाइनेटिक का रिसाव ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेटिक का रिसाव था, इसकी वजह से ये बहुत दुखद घटना हुई थी ठीक है, इसे कोई भी नहीं भूल सकता है। 46 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो आप इसके अंदर देख लेते हैं प्रदूषक होने वाली बीमारी ठीक है, यानी कि ये जो है सारे के सारे प्रदूषक हैं और ये होने वाली बीमारी है, तो पारा से क्या मीना माटा बीमारी होती है, अब देखिए इसके अंदर जो इसने हमसे क्वेश्चन करा है वो है कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सी मैचिंग जो है वो गलत है ठीक है। पारा से मीना माटा बीमारी हो जाती है, कैडमियम से आपकी हो जाती है इटाइटाई बीमारी ठीक है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और फ्लोराइड आयन से अपच ठीक है। अब आप देखिए फ्लोराइड आयन से अपच ये वाला आपका जो है वो इसमें निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट बता रही थी मैं आपको देखना। और इसके आगे हम 47 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0.03% बी 47 का, यानी कि वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए ठीक है, एनवायरमेंट के बैलेंस होने के लिए अच्छे होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त जो सांद्रता है वो है 0.03%, इसका आंसर हो जाएगा बी 48 वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ठीक है, तो ये निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। उसके बाद में हो जाएगा आपका 49, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है, फिर से ये रॉन्ग वाला पूछ रहा है, जो गलत है इसके अंदर वही आंसर देना है, तो देखिए इसमें विश्व पर्यावरण दिवस सही दिया है 5 जून है और अर्थ डे जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल है, तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपका 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है, आपका तंबाकू निषेध दिवस ये नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब होता है। 50 में आपका है जैव विविधता से को अधिकतम संकट ठीक है, तो ए है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, इसी के साथ में आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आप इसे इसमें जितने जितने मैंने आपको बोले हैं वो वहाँ पे आंसर दीजिएगा, और भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है, सारे पेपर हम लोग सॉल्व सेट के डेली कर लेंगे। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात, इसका पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप सीरीज कर पाएँ, पेपर आने वाले हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है सॉल्व सेट को करना। ओके गाइस, इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, लगे रहिए कीप इट अप पेपर की तैयारी में और इसी जोश के साथ में पढ़ते रहिए, जितनी जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएगा और मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनका आंसर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिप्लाई आपको